डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और दोस्तों इस मूवी ने साल 2012 में रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया था, और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉकबस्टर हुआ था, इन सब चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले लीड स्टार कास्ट के बारे में। जहाँ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर, सना सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल आनंद, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टेक लाइन द कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नए संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए RD बर्मन पुरस्कार जीता, इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुधारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कॉट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शयाब पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं।
दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है। फिल्म की कहानी जहां देखने को मिलता है रोहन और वो नंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है। और दोस्तों कॉलेज के यहां पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने। और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्रा और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खानी के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभि सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्रा है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरो उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें। जैसे कि दोस्तों कैजाद इनकी शुरू के साथ जो सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है जो आरओ को इस शेरालू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं दीक्षित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं और वो ये देख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुरती जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी सुरती के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तानिया के साथ जाता है। सानिया इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तानिया समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहाँ पे ट्वेल्थ थलान है जो अभी जो है नेटवर्क में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रोह की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो यहाँ पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त होना पड़ा, जिसके वजह से दोस्तों छात्रा
छात्र से दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। श्या नेगी अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदमे अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्वज छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्वज जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कसीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था, जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शेयर से दोस्तों आज जो है फाइनेंस यहां पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहां पे प्रतिस्पर्ध किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्सर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तित्व पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 करोड़ किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे
5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो सीधे जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है, लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है। और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव CNA ने IBN के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है, दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पोर्न और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का, उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुचर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और 3 हफ्ते में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों एशियन ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया, जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 300 स्क्रीन पर रिलीज किया था। दोस्तों 300 स्क्रीन पर रिलीज के लिए खराब जो प्रदर्शन माना और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौर जारी है, जिसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है जिसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो है आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है।
इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तो पेकर्स के लिए वह वन यानी कि अपने जो है पाठ्य जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दे यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियां शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे शेट जो है त्रेसा में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों एसटी के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं दोस्तों अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों केबीसी में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो ऑल करते हैं। स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है, लेकिन दोस्तों अभिमन्यु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है। दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लाड टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट, इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रैंड की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशियां उनके अहंकार से अधिक दोस्तों अंतरिक हो जाती है, इसी के साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं, जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में
ऋषि कपूर, सानस सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल आनंद, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टेक लाइन द कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में एशियन ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नई संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता। इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एस्टेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। जहां दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था, जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुतारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें एस्टोन ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैया पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है फिल्म की कहानी, जहां देखने को मिलता है रोहन और नंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है और दोस्तों कॉलेज के यहाँ पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्र और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खाने के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभी सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्र है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें, जैसे कि दोस्तों कैजाद इनकी शुरू के साथ जो है सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है जो आरओ को इस शेरालू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं विकसित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया
उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं और वो ये देख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुरती जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी सुरती के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तान्या के साथ जाता है। सान्या इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तान्या समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहां पे ट्रायल थलान है जो अभी जो है नेटवर्थ में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आर ओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहां पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय ना यानी कि यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रोग की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो यहाँ पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त तो होना पड़ा, जिसके वजह से दोस्तों दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। शान की अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदम अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्वज छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्व जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कसीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था।
जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दे 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था। ये फिल्म रिलीज होने पर दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शेयर से दोस्तों आज जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्स के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की। और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 क्रीज जो है किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दे स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई लेकिन दोस्तों इसके जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 4.5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो सीधे जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है लेकिन दोस्तों बता दें कि जो बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है। और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव सीएनए ने आईबीएन के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो है उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पोर्न और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का उन्होंने अपने रिव्यू में बताया।
दोस्तों बहुत चर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। एशियन ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और 3 हफ्ता में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों एशियन ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया। इसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 301 करोड़ पर रिलीज किया था। दोस्तों 301 करोड़ पर रिलीज के लिए खराब जो प्रदर्शन माना, और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ता में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौड़ जारी है, जिसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठा शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजरीवाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है। और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है जिसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यन की अपनी जो है पाठ्य जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दें यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियाँ शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे शेट जो है त्रेसा में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों ST के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है। और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं। और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं दोस्तों अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों KBC में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो ऑल करते हैं। स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है, लेकिन दोस्तों अभी मनु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है। दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लार टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट। इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रेन की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशिया उनके अहंकार से अधिक दोस्तों आंतरिक हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त
परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं, जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करते हुए नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर, सना सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल अनंत, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टेक लाइन द कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नए संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता, इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुधारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कॉट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैया पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है फिल्म की कहानी, जहां देखने को मिलता है रोहन और नंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है और दोस्तों कॉलेज के यहाँ पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्र और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खाने के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभी सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्र है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है
इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें। जैसे कि दोस्तों कैजाद यानी कि शुरू के साथ जो है सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुलेआम अभि के साथ जो है फ्लर्ट करती है, जो आरओ को इस शेरालू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभि को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं विकसित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं। आरओ ये देख लेता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सूरती जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी सूरती के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तान्या के साथ जाता है। सानिया इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तान्या समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहाँ पे ट्रायल थलान है जो अभी जो है नेटवर्क में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रो की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो यहाँ पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त तो होना पड़ा, जिसके वजह से दोस्तों छात्र दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। सानिया की अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदम अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्व छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी।
तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्टन ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्वा जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कासीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था, जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शेयर से दोस्तों आज जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्स के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की। और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तित्व पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 करोड़ जो है किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फैंस आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें एस्टन ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई। लेकिन दोस्तों इसके जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 4.5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, एस्टन ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है, लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है। और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है, ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है।
इसी के साथ दोस्तों राजीव CNA ने IBN के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है। दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पोर्न और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का, उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुचर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों और 3 हफ्ता में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 300 स्क्रीन पर रिलीज किया था। दोस्तों 300 स्क्रीन पर रिलीज के लिए खराब जो है प्रदर्शन माना और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौड़ जारी है। इसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है जिसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यानी कि अपनी जो है पाठ्या जो पुस्तकों के घर पर छोड़े लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दें यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियाँ शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे शेट जो है 3 में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों ST के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं।
इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, युगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है। और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों, फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं। और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं दोस्तों, अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों केबीसी में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो है ऑल करते हैं। स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है। दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लार टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट। इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रेन की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशिया उनके अहंकार से अधिक दोस्तों अंतरिक हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं, जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर, सना सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल अनंत, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टैग लाइन द कंपटीशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नई संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता, इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था।
दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। जहां दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था, जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुतारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें, अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कॉट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैया पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है फिल्म की कहानी, जहां देखने को मिलता है रोहन और वो नंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है। और दोस्तों कॉलेज के यहाँ पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने। और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्र और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खानी के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभी सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्रा है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें। जैसा कि दोस्तों कैजाद यानी कि शुरू के साथ जो है सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है, जो आरओ को इस शेरालू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं विकसित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं। आरओ ये देख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए ड्रीट मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त श्रुति जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी श्रुति के साथ जो है जाता है, जबकि रो जो है तानिया के साथ जाता है। सानिया इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तानिया समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है, जहां पे ट्वेल्थ थलान है जो अभी जो है नेटवर्थ में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है।
हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रोह की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो यहाँ पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त तो होना पड़ा। इसके वजह से दोस्तों दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। श्यान नेगी अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी। और दोस्तों ये जो है कदम अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्व छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्व जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कसीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था, जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बाद में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शेयर से दोस्तों आज जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्सर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था। जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था। जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 क्रिएट किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फैंस, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई। लेकिन दोस्तों इसकी जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 4.5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव सीएनए ने आईबीएन के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है, हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है। दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पूर्ण और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों एनडी टीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि एशियन ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का, उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुचर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों और 3 हफ्ते में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 300 स्क्रीन पर रिलीज किया था। दोस्तों 300 स्क्रीन पर रिलीज के लिए खराब जो प्रदर्शन माना और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से टीएनए
अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौड़ जारी है, जिसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है। और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है जिसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यानी कि अपने जो है पाठ्या जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं। तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दे यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पाठ और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियां शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे शेट जो है त्रेसा में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों एसटी के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है। और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच प्रोनीत रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं। और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं। दोस्तों अपने जो है ब्रांडों और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों केबीसी में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो है ऑल करते हैं। स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है। लेकिन दोस्तों अभी मनु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है। दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लार टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट। इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रेन की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशियां उनके अहंकार से अधिक दोस्तों अंतरिक हो जाती है। इसी साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं, जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए।
तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर, सना सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल आनंद, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टैग लाइन द कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नए संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता। इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था, जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुतारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैया पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है फिल्म की कहानी, जहां देखने को मिलता है रोहन रोनंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है और दोस्तों कॉलेज के यहां पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्र और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खानी के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभी सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्रा है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोह की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें, जैसा कि दोस्तों कैजाद यानी कि शुरू के साथ जो है सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को।
बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लॉट करती है, जो आरओ को इस शेयर आलू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टैंड ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं दीक्षित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस से बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं और वो ये देख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए ड्रीट मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त श्रुति जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी श्रुति के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तान्या के साथ जाता है। सानिया इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तान्या समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहाँ पे ट्वेल्थ थलान है जो अभी जो है नेटवर्क में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रोह की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो है पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके वजह से दोस्तों छात्र से दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। सानिया की अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदम अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्वज छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैंड ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्व जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था।
मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माई नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कसीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शीर्ष दोस्तों 8 जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्ध किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्सर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य यह था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 करोड़ किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फैंस आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई लेकिन दोस्तों इसकी जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 4.5 स्टार देते हुए कहा स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5.5 स्टार देते हुए कहा ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव CNA ने IBN के मंसद ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और लिखा यहाँ पे नीट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो है उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पूर्ण और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5.25 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि
स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है, कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का, उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुचर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे, इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई, और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचा कर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और 3 हफ्ते में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया, जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 301 करोड़ पर रिलीज किया था। दोस्तों 301 करोड़ पर रिलीज के लिए खराब जो है प्रदर्शन माना, और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौर जारी है, इसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है, और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है। इसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यन की अपनी जो है पाठ्य जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं, तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दे यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियाँ शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे सेट जो है 63 में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों ST के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है, और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं, और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो सुश्री लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं दोस्तों अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों KBC में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो है ऑल करते हैं स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है, लेकिन दोस्तों अभी मनु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है
दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लार टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट। इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रैंड की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशियां उनके अहंकार से अधिक दोस्तों आंतरिक हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं। जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर, सानस सईद, रोनित रॉय और दोस्तों साहिल आनंद, राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टेग लाइन द कंपटीशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नए संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता, इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। यहाँ दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुधारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कॉट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैयाब पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत दीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है फिल्म की कहानी, जहां देखने को मिलता है रोहन रोनंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है और दोस्तों कॉलेज के यहां पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने
और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्रा और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खानी के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभि सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्रा है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें। जैसे कि दोस्तों कैजाद इनकी शुरू के साथ जो है सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है जो आरओ को इस शेरालु बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं विकसित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं और वो ये देख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ मेहनत करने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त श्रुति जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी श्रुति के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तानिया के साथ जाता है। सानिया इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तानिया समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहां पे ट्रायल थलान है जो अभी जो है नेटवर्क में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रोह की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो है पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके वजह से दोस्तों दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। सानिया की अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए
झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदमे अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी, जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्वज छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में, जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्वज जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे, वरुण धवन उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कसीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था, जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शीर्ष दोस्तों 8 जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्ध किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्सर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 करोड़ जो है किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फैंस आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई। लेकिन दोस्तों इसके जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने इसे 4.5 स्टार देते हुए कहा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है, लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए।
दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा, ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव CNA ने IBN के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा, यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है, दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो है उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पूर्ण और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है। जो ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है, लेकिन दोस्तों ए स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का, उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुत चर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो $9,40,000 से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और 3 हफ्ते में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों एशियन ऑफ द ईयर ने लगभग $1.25 मिलियन का संग्रह किया, जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 301 करोड़ रुपये रिलीज किया था। दोस्तों 301 करोड़ रुपये रिलीज के लिए खराब जो है प्रदर्शन माना और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ते में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौर जारी है। इसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है। इसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो है आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यान की अपनी जो है पाठ्य जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए।
दोस्तों फिल्म में आपको बता दे यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियां शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे शेट जो है त्रेसा में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों एसटी के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है जो जॉन अब्राहम पर फिदा है और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्म में जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं दोस्तों अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं जो यहाँ पे फिरता और दोस्तों केबीसी में जो है मिस्टर नो इट के साथ जो ऑल करते हैं। स्कूल में दोस्तों एक जो है विशिष्ट अमीर गरीबी जो है विभाजन में काम करते हैं जो रिची एंड क्रिज टाटा जो है बनाम जो है बेचारा गरीब जो है बताशा है। लेकिन दोस्तों अभी मनु के प्रवेश के साथ जो है प्रतियोगिता उसका गर्म हो जाता है। दोनों लड़के पर्याप्त एप्स और दोस्तों एटीट्यूड दिखाते हैं। किशोर के साथ जो है बिनी ट्रॉम के साथ जो है आप सभी जो है लार टपकाने वाली महिलाओं के लिए एक ही जो है लड़की सानिया का पीछा सभी लड़के करते हैं और दोस्तों एक ही ट्रॉफी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं सभी स्टूडेंट। इसी का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। उनके दोस्तों से लेकर दोस्तों दुश्मनों तक के यहाँ पे समीकरण उनके स्कूल ग्रेड की तुलना में तेजी से दोस्तों बदल रही होती है। उनकी यहाँ पे मांसपोशियां उनके अहंकार से अधिक दोस्तों अंतरिक्ष हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाता है और लड़के जो है दुबले और यहाँ पे मतलबी हो जाते हैं। दोस्तों उनके वफादार दोस्त परिसर में यहाँ पे अराजकता फैला रहे होते हैं जैसे तानिया को रोहन को यहाँ पे रिझाने के लिए यहाँ पे डेट और दोस्तों बेट बुक में सब कुछ जो है यहाँ पे आजमाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है, क्या इस फिल्म को 2023 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों अगर आपको 2023 में ये फिल्म देखना है तो ये मूवी आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2012 में रिलीज की गई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दोस्तों करण जौहर द्वारा निर्देशित की गई है और धर्मा प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके अलावा वरुण धवन और दोस्तों आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर अभिनय करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर साना सईद रोनित रॉय और दोस्तों साहिल आनंद राम कपूर और दोस्तों फरीदा जलाल सहायक भूमिकाओं में इस फिल्म के अंदर नजर आई हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को बनाने के बाद इस फिल्म को टैग लाइन द कॉम्पिटिशन ऑफ द लाइफ के साथ प्रचारित किया गया था। दोस्तों ये
फिल्म सीधे 19 अक्टूबर 2022 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। दोस्तों इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिसमें दोस्तों अभिनेता के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए आलोचना किया गया। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार में एस्टेंट ऑफ द ईयर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण मल्होत्रा के लिए और दोस्तों वरुण धवन के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए आलिया भट्ट सहित 4 नामांकन प्राप्त हुए थे। और दोस्तों बता दें नई संगीत शिक्षक जो है प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार जीता, इसके वजह से नीति मोहन द्वारा इश्क वाला लव के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया था और दोस्तों ये गाना चार्ट पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। दोस्तों पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई एस्टेंट ऑफ द ईयर टू फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। जहां दोस्तों इस फिल्म को सीधे 2019 को रिलीज किया गया था, जिसमें दोस्तों टाइगर श्रॉफ के साथ नवोदित तारा सुतारिया और दोस्तों अनन्या पांडे ने अभिनय किया था। हालांकि दोस्तों बता दें अटकलें लगाई जा रही थी कि मूल फिल्म के 3 प्रमुख कलाकार एक विशेष उपस्थिति के लिए लौटेंगे, लेकिन दोस्तों केवल भट्ट ने ही इस फिल्म के अंदर श्रॉफ के साथ एक गाने में सिर्फ जो है कट यानी कि डांस किया था, बाकी कोई भी कलाकार फिल्म के अंदर वापसी नहीं की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करें एस्टेंट ऑफ द ईयर फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म में हमें देखने को मिलता है असाध्य रूप से बीमार और मृत्यु शैयाब पर सेंट थ्रेसा कॉलेज के पूर्व डीन योगेंद्र योगी वशिष्ठ जो है अपने अंतिम बैच के छात्रों से मिलने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों उनमें से कुछ उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और दोस्तों जीवंत डीन के बीमार पड़ने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों इसके बाद फिल्म जो है 10 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है। फिल्म की कहानी यहां देखने को मिलता है रोहन रोनंदा कॉलेज का एक सुंदर लोकप्रिय लड़का है और दोस्तों कॉलेज के यहाँ पे ट्रस्टी जो है टाइकून यानी कि अशोक नंदा का बेटा है। दोस्तों अशोक चाहते हैं कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने और दोस्तों फिल्म के संगीत के प्रति उनके जुनून को जो है नापसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉलेज की एक अमीर और दोस्तों बेहद जो है लोकप्रिय लड़की सानिया सिंघानिया उसकी प्रेमिका बन जाती है। दोस्तों वह एक अन्य छात्र और उसकी प्रतिद्वंदी तानिया जो है इस रानी के साथ लगातार छेड़खानी के कारण असंतुष्ट महसूस करती है। इसके बाद दोस्तों अभिमन्यु अभि सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला एक नया छात्र है जो अशोक की तरह अमीर बनना चाहता है। दोस्तों जल्द ही कॉलेज का दिल की धड़कन वो लड़का बन जाता है। दोस्तों अभी एक अनाथ है, इसकी दादी ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह अपने जीवन से सच्चा प्यार करता है। दोस्तों शुरू में उसकी और रोकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन दोस्तों जल्द ही एक जो है फुटबॉल मैच के बाद वह सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी के साथ दोस्तों आरओ उसे यहाँ पे सानिया से मिलवाता है और दोस्तों उसे याद दिलाता है कि वह उसके साथ न उलझे, लेकिन दोस्तों अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है उसमें, जैसे कि दोस्तों कैजाद इनकी शुरू के साथ जो सोडा बोतल के साथ ओपनर वाला था, एक छात्र जिससे रो को नफरत है अभी के लिए बहुत जो प्रशंसा करता है और इस प्रक्रिया में वह भी अभी रो और दोस्तों सानिया के सर्कल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों अजय की शादी में सानिया जो है आरओ को तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और वह ठगा हुआ महसूस करने लगता है अपने आप को। बदले में वह जो है खुले आम अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है जो आरओ को इस शेरालू बनाने के लिए चुपचाप उसे जो है संकेत देता है। इस अवधि के दौरान दोस्तों अभी को एहसास होता है कि वह अभी जो है सानिया के प्यार में पड़ गया है। इस बीच दोस्तों स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें दोस्तों पहले दौर में एक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक खजाने की खोज और दोस्तों एक नृत्य युद्ध हो जाता है इस खेल के अंदर। दोस्तों प्रतियोगिता के दौरान अभी के लिए भावनाएं विकसित होने लग जाता है उसके दिल में। डांस बैटल से पहले अभी की दादी बीमार हो जाती है और अभी की चाची जो है उसे डांटती है कि वह जिस भी यानी कि परिवार में जाता है वह दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य ही लाता है। दोस्तों अभी की दादी की मृत्यु के बाद सानिया उसे इससे जो है निपटने में मदद करता है और एक कोमल क्षण में एक दूसरे के प्रति आकर्षित जो है महसूस करवाते हुए वह एक चुंबन साझा करते हैं। आरओ ये देख लेता है जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई हो जाती है। घर में दोस्तों अशोक के साथ गहन जो है टकराव के बाद रो अब जो है प्रतियोगिता जीतने के लिए दृढ़ मेहनत करने लग जाता है।
इसके बाद दोस्तों सानिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुरती जो है प्रतियोगिता में बाहर हो जाती है और इस तरह रो और उसका दोस्त जीत भी इसमें शामिल रहता है। उसका दोस्त जीत भी जो हमेशा एक कठपुतली के रूप में उसका पीछा करते थे, सानिया जीत के साथ डांस टेबल में जाती है और दोस्तों अभी सुरती के साथ जो है जाता है जबकि रो जो है तान्या के साथ जाता है। सान्या इसके बाद दोस्तों अपनी जो है भावनाओं से परेशान होकर नृत्य युद्ध के बीच में ही चली जाती है और दोस्तों वह जो है शुरू और तान्या समाप्त हो जाते हैं एक साथ में। इसके बाद दोस्तों प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू होता है जहाँ पे ट्रायल थलान है जो अभी जो है नेटवर्क में अंत में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आरओ प्रतियोगिता जीत जाता है। हालांकि आरओ ने व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में आरओ के पद जो है छोड़ने के बाद जो है शुरू ने योगी को बहुत जो है डांटा जो इस बारे में बात करता है कि कैसे जो है एशियन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शुरू से ही जो यहाँ पे धांधली हुई है। और दोस्तों शुरू का ये कहना है कि प्रतियोगिता ने उनकी 2 साल की दोस्ती को तोड़ दिया और ये जो है शुरू जैसे लोगों के साथ जो है यहाँ पे अन्याय ना यानी कि यहाँ पे अन्याय था जो अभी या फिर रो की तरह जो है लोकप्रियता या फिर जो आकर्षक नहीं थे। दोस्तों अपना जो है पे भाषण जो है खत्म करने के बाद वह बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों इसके कारण योगी को अंत तक दोस्तों यहाँ पे सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके वजह से दोस्तों दूसरे छात्र से संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में कहानी वापस चला जाता है। रो एक पॉप स्टार और दोस्तों अभी एक सफल निवेशक बैकर बन चुका है। जब वो योगी से मिलने आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। सान्या की अब अभी से शादी हो चुकी है। वह और आरओ अपने अतीत के बारे में बात करते हुए झगड़ने लगते हैं और दोस्तों उस गुस्से को बाहर निकालते हैं जो वह पिछले 10 वर्षों से दबाए हुए थे। अभी ने यहाँ पे ट्रायल थोल के बारे में भी सच्चाई का खुलासा किया था और दोस्तों उसने देखा कि अशोक रो को हारते हुए देखकर जो है खुश था और दोस्तों इसलिए उसने जानबूझकर रो को जीतने की अनुमति दी और दोस्तों ये जो है कदम अशोक से आगे निकलने का उसका तरीका था। जो आपको बता दें यहाँ पे झगड़ते समय वह एक यहाँ पे मैत्रीपूर्ण हंसी मजाक में समाप्त होता है कहानी जैसे कि दोस्तों उन्होंने कॉलेज में किया था। इस प्रकार दोस्तों उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। योगी अपने पूर्वज छात्रों से माफी मांगते हैं और दोस्तों शांति से मर जाते हैं और फिल्म अभी और रो के बीच दोस्ताना दौर के साथ समाप्त हो जाता है इस फिल्म की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एशियन ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको काफी हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों बता दें 5 जनवरी 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने फिल्म का पहला पोस्टर ट्विटर पर अपलोड किया था। दोस्तों इस फिल्म में पूर्व जो है मॉडल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट जो है निर्देशक जो है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन उनके अलावा बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी और दोस्तों एक वयस्क के रूप में खान की भूमिका निभाने वाली इस फिल्म के अंदर साना सईद जो है डेब्यू कर रही थी। दोस्तों बता दें उनकी बेटी कुछ कुछ होता है फिल्म में 1998 में जौहर की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। मल्होत्रा और दोस्तों वरुण धवन ने पहले माय नेम इज़ खान 2010 के निर्माण के दौरान जौहर के अधीन जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने पहले काम किया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें पहला आधिकारिक जो है ट्रेलर 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया था कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को ये फिल्म सीधे रिलीज होगी। फिल्म के अधिकांश दोस्तों भाग की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान के साथ जो है कई सारे संस्थान जो है देहरादून में किया गया था। स्कूल का बाहरी दृश्य आपको बता दें देहरादून के कासीगा स्कूल जैसे वहां पे अस्पताल के दृश्य द ललित जो है ग्रैंड पैलेस में शूट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों श्रीनगर के बाहर फिल्माए गए थे कुछ सीन। फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग जो है थाईलैंड में भी किया गया था जो रॉब मिलर जिन्होंने पहले शाहरुख खान के साथ जो है चक दे इंडिया में काम किया था। और दोस्तों आपको बता दें 2007 को खेल जो है अनुकर्मों को निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था इस फिल्म को। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने प्रतियोगिता आधारित जो है मार्केटिंग के साथ दर्शकों को लक्षित किया था ये फिल्म रिलीज होने पर। दोस्तों फिल्म के ऑन ग्राउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रमोशन जो है पार्टनर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शिक्षावादियों और संस्कृति
खेल और दोस्तों सामाजिक जीवन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू की। शेयर से दोस्तों आज जो है फाइनेंस यहाँ पे फाइनलिस्टों ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है खिताब के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्ध किया था। निर्माता ने एक जो है विशेष यानी कि फेडेक्सर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों फेडेक्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की और दोस्तों घोषणा करते हुए बताया था कि फेडेक्स यानी कि एक्सप्रेस के साथ जो है साझेदारी की थी और इसका दोस्तों उद्देश्य ये था कि भारत में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तित्व पर केंद्रित था इस फिल्म की कहानी। इसी के साथ दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ ही साथ दोस्तों सेटेलाइट जो है अधिकार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 6.3 मिलियन में बेचे गए। संगीत अधिकार सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचा गया था जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 8,80,000 की यूएस डॉलर में इसकी राशि में बेचे गए। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2021 के अंत में अग्निपथ मूवी और दोस्तों ये जवानी है दीवानी के साथ फिल्म के सेटेलाइट अधिकार कलर्स द्वारा खरीदे और दोस्तों 90 करोड़ किए गए थे इस फिल्म को लेकर। जी हाँ फैंस आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों बता दें स्टूडेंट ऑफ द ईयर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली जिसमें दोस्तों इसके 3 मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और फिल्म के संगीत की प्रशंसा की गई। लेकिन दोस्तों इसकी जो है पलायनवादी कहानी और फिल्म की पटकथा के लिए तीखी आलोचना किया गया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 4.5 स्टार देते हुए कहा स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो दोस्तों घिसे पिटे रास्ते पर चलता रहा है लेकिन दोस्तों बता दें केजीओ बुद्धि और रुचि के साथ एक कारगिल वाली ये फिल्म है और दोस्तों ये सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रिप्ट को बेहतर और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक जो है बनाया जाए और ऐसा उत्साहित होता है कि इससे दर्शक भी बुद्धि या फिर जो बुद्धिमानता को ठेस न पहुँचाए। दोस्तों आगे उन्होंने आगे ये कहा कि ये अपने सर्वोत्तम रूप से एक जो है पलायनवादी सिनेमा वाली फिल्म है। ये दोस्तों अपने सर्वोत्तम रूप से जो है मनोरंजन करने वाली फिल्म है। दोस्तों कोमल नेहटा ने भी इसे जो है सर्वोच्च मनोरंजन फिल्म बताते हुए 5 में से 4.5 स्टार दिया। फिल्म फेयर की यहाँ पे रायता टंडन ने इसे 5 में से 4.5 स्टार देते हुए कहा ये फिल्म दुनिया वास्तविक और दोस्तों शानदार तरीके से है कि फिल्म जो है इसमें ऐसे क्षण लाता है जो आपको यहाँ पे वास्तविकता से वापस लगाएगा और दोस्तों आपके दिलों को गर्म कर देगा। ये जो है पलायनवाद का सर्वोत्तम रूप वाली फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों राजीव सीएनए ने आईबीएन के मंसद ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा यहाँ पे नेट पिंकर्स को छोड़कर ये एक निर्देशक द्वारा बनाई गई एक मनोरंजन और दोस्तों कहानी वाली फिल्म है जो अपने शिल्प को जनता के साथ जो है दोहराता है। उन्होंने टिप्पणी किया है कि यदि आप जो है मनोरंजन की तलाश में है तो आप निराशा नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने इस फिल्म के बारे में लिखा है दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा है कि करण जौहर द्वारा दोस्तों सुंदर लोगों और महंगी चीजों से भरी जो है काल्पनिक दुनिया बनाते हैं फिल्म में और दोस्तों फिर भी उन्हें जो है उच्च भावनाओं में रखते हैं और दोस्तों उनकी फिल्में जो है डिजाइन पोर्न और दोस्तों साबुन जो है दोनों के रूप में काम करता है जो ओपेरा। उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की और दोस्तों एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए टिप्पणी किया था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन चमकदार हो तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों गुदगुदेपन इस फिल्म के अंदर रखा गया है। कॉमेडी सीन आपको इस फिल्म में देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। जी न्यूज़ की तरफ से अनन्या भट्टाचार्य ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देते हुए कहा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है केवल जो है नवोदित कलाकारों के लिए देखने लायक है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिका निभाने का कठिन काम किया है जो कमी से ग्रस्त है लेकिन दोस्तों ये स्टोरी सिंड्रोम लगता है इस फिल्म का उन्होंने अपने रिव्यू में बताया। दोस्तों बहुचर्चित फिल्म जो है सफलता पर आलोचकों को संदेह था। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में नवोदित कलाकार थे। इसका बजट भी काफी जो है अधिक रखा गया था। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेताओं के अलावा सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई और दोस्तों पहले हफ्ते में ही निर्माताओं और वितरकों दोनों को लाभ पहुंचाकर व्यापार जो अपेक्षाओं से आगे निकल गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने अपने शुरुआती दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था।
इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इन पैसों को यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9,40,000 डॉलर से अधिक की कमाई किया था। इसने अपने दूसरे दिन वृद्धि दिखाई थी और दोस्तों 8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अधिक कमाई करते हुए अंत तक दुनिया भर में 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस मूवी ने टोटल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और 3 हफ्ता में इस मूवी ने 63 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। इसी के साथ दोस्तों एशियन ऑफ द ईयर ने लगभग 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया, जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 301 करोड़ पर रिलीज किया था। दोस्तों 301 करोड़ पर रिलीज के लिए खराब जो प्रदर्शन माना, और दोस्तों ये फिल्म दूसरे हफ्ता में अधिकांश जो है बाजारों में गिर गई और विदेशी बाजारों से लगभग इसने 3 मिलियन से अधिक की कमाई किया था डॉलर में। दोस्तों फिल्म को द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से TNA अपडेट के तरफ से इसको रिव्यू करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। कहानी के बारे में हम बात करें तो प्रक्रिया तैयार है और यहाँ पे दौड़ जारी है, जिसकी वजह से दोस्तों दाव पर क्या है कि आपको बता दें, प्यार दोस्ती और यहाँ पे प्रतिष्ठी शामिल है फिल्म में। मूवी रिव्यू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे केजे वाला लव वाली फिल्म है, जो रोमांस की यहाँ पे धर्मा कॉलेज और दोस्तों कैंटीन से ताज़ा और गर्मा गर्म जो है परोसा गया है। और ये एक उच्च कक्षा स्कूल वाली फिल्म है, जिसका जो है आपको बता दें व्याख्यान जो आप भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिवाय दोस्तों इसके कि इसके पास जो है करण नियमों को इसके कारण जो है नियमों का अपना जो है सेट रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रस्तुत पेकर्स के लिए वह वन यानी कि अपने जो है पाठ्य जो पुस्तकों के घर पर छोड़े, लेकिन दोस्तों सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ जो है डिजाइन बैग और दोस्तों हिल्स ले जा रहे हैं, तो दो स्कूलों जाने के लिए यहाँ पे फिरारी चलाए या फिर जो है आप गरीब बनकर इस फिल्म में पढ़ने जाए। दोस्तों फिल्म में आपको बता दें यानी कि डेटिंग जो है फिल्म में तीसरा भाग है कहानी का डेटिंग, जो यहाँ पे संभोग के अलावा इस फिल्म के अंदर प्रेम पार्ट और दोस्तों पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो चार लड़का यानी कि दोनों मिलकर चार लड़कियाँ शामिल हो जाती है अपनी जो है सबसे छोटी जो है मिनी पहने और दोस्तों लड़कों के साथ जो है शर्ट उतारे और यहाँ पे सेट जो है त्रेसा में आपका स्वागत करती है। इसी के साथ दोस्तों ST के एक जो है खुशहाल और दोस्तों समलैंगिक जो है डीन के साथ योगेंद्र दृष्ट इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए हैं। इस किरदार को ऋषि कपूर ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों योगेंद्र वशिष्ठ ऋषि द्वारा चलाया जाता है, जो जॉन अब्राहम पर फिदा है। और दोस्तों जब वह यहाँ पे बहुविवाहित जो है यहाँ पे हॉट कोच रोनित रॉय को देखते हैं, तो उसे कोच को सुनते हैं और स्कूल का यहाँ पे हॉट शॉट छात्र रोहन नंदा वरुण धवन का स्वागत करते हैं, जो अपने हॉट जो है व्हील्स में घूमते हैं दोस्तों फ्लॉट करते हैं और दोस्तों यहाँ पे रॉक स्टार बनने का सपना वो देखते हैं। और दोस्तों उनकी बचपन की प्रेम का एक और बहुत अमीर बच्ची यानी कि शान्या सुपर फिल्मी जो है परिचय है। इसी के साथ दोस्तों इस किरदार को आलिया भट्ट ने फिल्म में निभाया है, जो दूसरी लोकप्रियता और दोस्तों ड्रामा क्वीन जो है लाल जो है पाउट को याद करते हैं। दोस्तों अपने जो है ब्रांडो और इसके अलावा दोस्तों सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों भव्य रूप से अभिमन्यु यहाँ पे सिद्धार्थ बड़े सपनों वाले एक जो है माध्यम वर्ग का लड़का चलाते हैं, जो यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी, इसका नाम है एशियन ऑफ द ईयर। दोस्तों ये फिल्म कौन से ईयर को कहाँ पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप एशियन ऑफ द ईयर फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। बता दें दोस्तों ये फिल्म आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों मैंने पिछली बार रिव्यू किया था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यही प्यार मुझे यहाँ पर भी मिलेगा। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो दोस्तों 24 अक्टूबर 2012 को फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। इसके 2 साल बाद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। बात करें मूवी के बजट के बारे में, तो 59 करोड़ रुपए खर्च हुआ था फिल्म को बनाने में। और दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो 97 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद किया था। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो करण जौहर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। एक साथ दोस्तों फिल्म की कहानी भी करण जौहर ने ही लिखी है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें, दोस्तों इस फिल्म में वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट फिल्म में अभिनय करते हुए नजर थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।